हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बेसिक तौर पर जानेंगे और कुछ वीडियो जो होगी मेरा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर होगी। यह ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वीडियो है। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, जैसे हम लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों देखिए, यहाँ जो ट्री है इसका मतलब तीन होता है। तीन, ट्री मतलब तीन, गौन मतलब, दोस्तों ट्री मतलब तीन और गौन मतलब होता है कोण, जिसे एंगल कहते हैं। ट्री मतलब तीन, गोन मतलब कोण, और यहाँ जो है मेट्रोन, ये ग्रीक ग्रीक वर्ड्स है, समझे दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड्स है। इसका मतलब होता है परिमाण। इसका मतलब क्या हो गया, तीन कोण का परिमाण। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि तीन कोण का परिमाण। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपली जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो सिंपली होता है और राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, उस पर लागू होता है। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। इसे कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और इसे एस से दिखाते हैं। इसे कहते हैं बेस, इसे बी से दिखाते हैं। उसी तरह इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, डी कूलर, और इसे पी से दिखाते हैं। देख लिए दोस्तों, और यहाँ कोई एंगल थीटा है। जो कोण होता है, एंगल होता है, थीटा क्या है दोस्तों, थीटा है एंगल। जो कोण है, एंगल यानी कोण, थीटा को एंगल यानी कोण कहते हैं। ये एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छा चीज़ समझने का है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि थीटा जो होती है उसके ठीक सामने वाला को परपेंडिकुलर कहेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, ये जैसे थीटा है, इसके ठीक सामने वाला जो जो भी रहेगा उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। मान लीजिए अगर आप थीटा यहाँ ना लेकर थीटा अगर यहाँ ले, तो थीटा के ठीक सामने वाला ये हो गया, थीटा के ठीक सामने वाला ये हो गया, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। उसी तरह अब हाइपोटेनस हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। समझ गए, थीटा के ठीक सामने वाला चीज जो होती है वो होती है, जो थीटा के ठीक सामने वाला होती है उसकी लंबाई को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो समझ गए, ये हो गया थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, और यहां हो गया बेस। जो बेस और परपेंडिकुलर है, आपने देखा कि अगर थीटा यहाँ ले रहे थे तो परपेंडिकुलर इधर हो रहा था, उसी तरह थीटा यहाँ ले रहे थे तो परपेंडिकुलर पुचुक इधर हो रहा था। समझ गए, उसी तरह बेस और परपेंडिकुलर थीटा पर डिपेंड है, लेकिन हाइपोटेनस जो है थीटा पर डिपेंड नहीं है। अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा होता क्या है। जैसे देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो सिंपली जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका नाम हो जाएगा, वही होगा हाइपोटेनस। जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको ही हाइपोटेनस मानना है। हाइपोटेनस क्या होगा, जो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री, या 90 डिग्री है ना, उसके ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होगा। ध्यान से सुनिए, जो 90 डिग्री है, यहाँ कितना एंगल है, यहाँ कितना एंगल है, 90 डिग्री, इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री ये है, इसके ठीक सामने वाला ये जो है हाइपोटेनस होगा। चाहे कभी भी कैसे भी 90 डिग्री हो, चाहे ऐसे रहे 90 डिग्री, यहाँ अगर 90 डिग्री ऐसे रहे तो इसके ठीक सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होती है, तो इसलिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। और ये जो मान लीजिए यहाँ एंगल बनाए, तो मैंने कहा कि एंगल के ठीक सामने वाला क्या होती है,
जिस तरह हाइपोटेनस के ठीक सामने वाला 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होती है, उस तरह थीटा के ठीक सामने वाला, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होती है, जिसे पी से दिखाते हैं। अब जो बचा उसे कहते हैं बेस। समझ गए? तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, जैसे साइन थीटा पी बाई एच का रेशियो है, अनुपात है, पी बाई एच का अनुपात है। अगर थीटा का वैल्यू बदलेंगे तो इसका रेशियो भी बदलेगा, थीटा का वैल्यू बदलेंगे तो इट हो साइन थीटा का जो रेशियो है वो बदलेगा। सिंपली ये राइट एंगल ट्रायंगल की ए साइड और एटो साइड के जो रेशियो होगा उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा एक तो नाम है दोस्तों, सिंपली इसका नाम रख दिया है साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा भी उसी तरह है, जो बेस है, बेस है और हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है कॉस थीटा। और उसी तरह टेन थीटा, एक बार क्या हो गया, एक बार सिंपली क्या हो गया, पी बाई एच साइन थीटा हो गया और सिंपली पी बाई एच खत्म, पी खत्म। अब क्या बचा, बी बाई एच क्या हो गया, कॉस थीटा। अब इसको हम लोग को दो बार इस्तेमाल करना है। अब देखिए लास्ट में क्या बचा, पी बाई बी हो जाएगा क्या, टेन थीटा। देख ले दोस्तों, पी बाई एच हो गया साइन थीटा, इसका रेशियो पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा और पी बाई बी टेन थीटा। तो इसका सिंपली साइन थीटा का उल्टा करे, साइन थीटा के उल्टा को क्या बोलते हैं, कॉसेक। साइन थीटा के उल्टा को कॉसेक थीटा बोलते हैं। इसका उल्टा कर लीजिए, एच बाई पी, साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। सिंपली सेक थीटा एक तो रेशियो का नाम है जो पी बाई एच है, समझ गए। सेक थीटा एच बाई बी है, एच बाई बी। उसी तरह ये हो जाएगा कॉट थीटा, बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। जिस तरह साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, उसी तरह कॉसेक थीटा भी उल्टा होगा साइन थीटा का, क्योंकि ये उसका उल्टा है तो ये भी उसका उल्टा है। तो देख लीजिए, यही आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। अब अगर आपको ये अगर याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा में अगर आपको यहाँ दिक्कत होगा तो देख लीजिए, साइन थीटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा में अगर आपको दिक्कत होगा पी बाई एच, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्यार हुआ। साइन थीटा में अगर आपको दिक्कत हो सकता है तो आप लिख सकते हैं प्यार हुआ, प्यार बटे हुआ, समझ गए। उसी तरह अगर आपको कॉस थीटा में अगर दिक्कत हुआ, अगर आपको कॉस थीटा में दिक्कत हो रहा है, कॉस थीटा में अगर दिक्कत हो रहा है बी बी हुई, उसी तरह अगर आपको टेन थीटा में दिक्कत हो रहा है, उसी तरह अगर आपको टेन थीटा में दिक्कत हो रहा है तो यहां लिखना है पागल बना। सिंपली ये क्या सेंटेंस हो गया, प्यार हुआ, सबसे पहले प्यार हुआ, प्यार होने के बाद बीबी हुई, प्यार हुआ तभी तो बीबी हुई होगी ना, जब बीबी हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, पागल बन जाएंगे। तो ये साइन थीटा को याद रखने का एक सिंपली ट्रिक है, साइन थीटा प्यार हुआ मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बीबी हुई बेस बाई हाइपोटेनस, समझे। पागल हुआ, पागल बना, पागल यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ये आपको तीनों यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद है तो आप सिंपली इसका उल्टा कर लीजिए, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा करिए सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा करिए कॉट थीटा हो जाएगा। आपको ये सिंपली याद करके रखना है। तो आप देखिए, हम लोग
इस टेबल, इसका जो टेबल होता है उसको आप हम लोग ध्यान से अच्छा से जानेंगे और ट्रिक के साथ जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह थीटा है, थीटा का भी एंगल 0 डिग्री, जो टेन पे जो थीटा का एंगल पूछता है 0, 30, 45 पर जो वैल्यू पूछता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का जो वैल्यू पूछता है, सिंपल यही इसी कोण पर पूछता है, इसी एंगल पर पूछता है 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक का, आपको ध्यान में रखना है। थीटा एक एंगल है, थीटा क्या है दोस्तों, थीटा एक एंगल है। जब 0 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, जब 30 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, जब 45 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो लिखते हैं साइन थीटा, ना सिंपली आपको लिखना है साइन थीटा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ 0 है ना, तो आपको 0 से शुरू करना है, 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको टेबल लिखने का ट्रिक जी। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको टेबल याद कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। देख लीजिए मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, कहाँ से एंगल है तो 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करूँगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 0 से स्टार्ट करना है सिंपली। इसके नीचे, इसके 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, इस तरह 0 से लेकर 4 तक लिखना है। या कहाँ तक लिखे हैं, 0 से 4 तक लिखे हैं ना, तो सबको 4 से भागा दो, क्योंकि 4 तक लिखे हैं तो 4 से भागा, 4 से डिवाइड कर दिए, समझ गए, 4 से सबको डिवाइड कर दिए, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक हम लोग लिखे हैं। अब इसको हम लोग रूट कर देंगे, इसको सिंपली हम लोग रूट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि चूंकि देखिए अगर रूट 4 रहे तो 2 निकलता है, इसलिए 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट 4 का रूट 2 हो जाता है, और यहाँ हो जाएगी 1/√2। कैसे, क्योंकि 2/4 है तो यह कट जाएगी, 2 × 4 1/√2 हो जाएगी, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ सिंपली मिल गया 1/√2। यहाँ कट जाता है 2 × 4 तो 1 का रूट 1 और √2 यहाँ लिख सकते हैं। उसी तरह √3 हो गया और यहाँ 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 होता है। सिंपली यहाँ 4 और 4 कट जाएगा और बचेगा 1, 4 और 4 कट गया और सिंपली बचा 1। जो ये तो सिंपली वैल्यू निकला है यही साइन थीटा का वैल्यू है। थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा, थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू 0 होगी, थीटा का मान जब 30 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू 1/2 होगी, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो इसका मान 1/√2 होगी, समझ गए। सिंपली आप अगर कॉस थीटा का लिखना चाहे, तो उल्टा तरफ से लिखते आना है, उल्टा तरफ को सबसे पहले लिखना है, उल्टा लास्ट में क्या है, 1 है तो सबसे पहले अब 1 लिखना है, उसके बाद क्या है 1/√2 है, उसके बाद क्या है 1/√2, उल्टा तरफ से लिखते आना है 1√3/2 1/√2। अब इधर होगा ये लिखना पड़ेगा 1/2 और सबसे लास्ट में हो जाएगी 0, मतलब उल्टा तरफ से ऐसे करके लिखते जाना है। हम लोग को ये मिल गया साइन, हम लोग को सिंपली मिल गया है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। और टेन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, टेन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग दे देंगे, जो ऊपर वाला चीज़ जितना भी है उसको नीचे से भाग देंगे, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, उसी तरह 1/√2 को भाग देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, उसी तरह इसको भाग देंगे ऊपर वाला को नीचे से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो √3 हो जाएगा, और ये अपरिभाषित रहेगा क्योंकि 1 को जो है 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, अपरिभाषित, समझ लीजिए अनडिफाइंड है वो। आपको तो ये समझ में आ गया होगा सिंपली।
ये इसी तरह और हम लोग इससे आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये पहला ट्रिक हुआ, अब दूसरा ट्रिक देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखने का दूसरा ट्रिक। जैसे मैंने क्या कहा था कि थीटा थीटा कितना में है, 0, 30, 45, 60 और 90। सिंपली हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, देखिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं तो जीरो से लेकर एक तक जा, हम लोग अगर वैल्यू लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, सबसे लास्ट में वन लिखेंगे। जीरो से स्टार्ट करके वन तक ख़त्म करेंगे, समझे। अब वन को हाफ करेंगे, सबसे पहले जीरो लिखेंगे और सबसे लास्ट में वन लिखेंगे। अब ये जो वन निकला वन को हाफ करेंगे, अब जो यहाँ टू निकला है टू को रूट करेंगे, टू के बाद क्या होता है, टू के बाद थ्री होता है, अब फिर यहाँ रूट थ्री लिखेंगे और जो यहाँ है टू लिख देंगे। अब जो मेरा पूरा जो टेबल का जो साइन थीटा का वैल्यू है वहाँ सिंपली आ चुका, अब इतना सिंपली ये इजी से आ चुका है। अब इसी से उल्टा करके आप कॉस थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं। और एक बार अच्छा से देख लीजिए कि साइन थीटा का अगर वैल्यू लिखेंगे ये जीरो पर और ये 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर अगर लिखेंगे तो हम लोग जीरो से शुरू करके एक तक ख़त्म करेंगे। गिनती जीरो से शुरू करेंगे एक तक ख़त्म करेंगे, एक को हाफ करेंगे, जो दो मिला वो दो को रूट कर देंगे, दो के बाद क्या होता है, तीन होता है और नीचे यहाँ कितना है, दो है, तो दो लिख देंगे। सिंपली हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू मिल चुका है। उसी तरह हम लोग कॉस थीटा का लिख सकते हैं यहाँ इजीली, सिंपली उल्टा तरफ से कॉस थीटा का लिख के आएंगे, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, क्योंकि ये होगा वन, उल्टा तरफ से लिखते आना है, रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू और सबसे लास्ट में जीरो। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग, ऊपर वाला जो है उसको नीचे वाला से भाग, अगर जीरो को अगर भाग देंगे एक से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऊपर वाला को सिंपली नीचे वाला से भाग देना है, तो क्या हो गई, यहाँ जीरो हो जाएगी, ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग, तो वन बाई अगर टू है, रूट थ्री बाई टू है, तो टू और टू कट जाएगी तो क्या होगी, वन बाई रूट थ्री होगी, समझ गए। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, वन बाई रूट थ्री। उसी तरह ऊपर वाला को नीचे वाला, ये दोनों नंबर बराबर है तो यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ कितना होगा, रूट थ्री हो जाएगा और यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि वन जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता है, किसी भी नंबर को जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता है, ये अनडिफाइंड हो जाती है, समझ गए दोस्तों। किसी भी नंबर को जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से हम लोग सिर्फ साइन का निकाल करके बाकी पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। आप साइन थीटा से आप कॉसेक थीटा का निकाल सकते हैं, इसका उल्टा करके, कॉस थीटा से सेक थीटा का उल्टा करके निकाल सकते हैं, वन का उल्टा वन, और सेक थीटा का अगर 30 डिग्री निकालेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, टू बाई रूट थ्री। सिंपली आपको यह तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप और एक चीज़ आप इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यह अगर यहाँ थीटा लिए तो यहाँ हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस, ए बी और सी, नाम दे दिए ए बी और सी। तो साइन थीटा क्या होती है, पी बाई एच होती है, कॉस थीटा क्या होती है, बी बाई एच, उसके बाद टेन थीटा क्या होती है, पी बाई बी होती है। आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होती है, यहाँ अच्छा से लिखता हूँ, टेन थीटा बराबर होती है पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होती है। तो हम लोग क्या टेन थीटा बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं, पी बाई एच बाई बी बाई एच, क्योंकि एच नीचे है, पी बाई एच बी बाई एच लिख सकते हैं, क्योंकि एच एच को काट देंगे,
यहाँ से H को ऐसे करके काट देंगे, H को यहाँ से काट देंगे तो P by B हो जाएगा। मतलब P को भी H से भाग दिए हैं और B को भी H से भाग दिए हैं। तो आप सिंपल यहाँ देखिए tan थीटा बराबर P by H का वैल्यू कितना है, sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा, और B by H का वैल्यू कितना है, cos थीटा। इसलिए sin थीटा ये न्यू फॉर्मूला है, tan थीटा का न्यू फॉर्मूला क्या हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा। ये आपको अच्छा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा से याद करके रखना है। हम लोग अब कुछ एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो एक नंबर एग्जांपल है, फाइंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द फिगर, फाइंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द फिगर। ये फिगर आपको दिया गया है, यहां आपको एंगल 30 डिग्री दिया गया है, इसका नाम ए बी सी, और ये कितना दिया गया है 40 मीटर। परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है, यहां परपेंडिकुलर मालूम करना है, आप वीडियो रोक करके थोड़ा ट्राई कीजिए कि परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तीनों रेशियो को देखिए, आप वीडियो रोक करके ट्राई कीजिएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा का जो सामने रहता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसके जो सामने रहता है 90 डिग्री का जो सामने रहता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 40 मीटर है, और जो परपेंडिकुलर थीटा के सामने, ठीक, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब ट्रिगोनोमेट्रिक का सभी, आप ये इसको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का देखिए, सभी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो को देखिए, जो किस में पी बाई एच है, आप देख सकते हैं साइन थीटा में पी बाई एच है, साइन थीटा में पी बाई एच है, देख सकते हैं साइन थीटा में पी बाई एच है। थीटा बराबर कितना है, यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 बैठा सकते हैं। उसके बाद पी की वैल्यू हम लोग को निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है, पी की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या है, यहाँ 40 डिग्री दिया, 40 मीटर दिया गया है, तो हम लोग 40 को इधर गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं, इसलिए साइन 30 इंटू 40 इजिकल टू पी, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन 30 के वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए, साइन 30 के वैल्यू